सो यस गाइस, आ चुका है एक मैसिव बॉक्स पैकेजिंग इन्फिनिक्स की तरफ से, एंड इसके ऊपर लिखा है हैशटैग टेक चार्ज। एंड यस, इसको इमीडिएटली यहाँ पे हम ओपन करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे गाइस। जैसे हम ओपन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो X1 चीता करके लिखा है यहाँ पे, मतलब इसके अंदर एक X1 चीता चिप देखने मिलती है डेडिकेटेड चार्जिंग के लिए, ऑल राउंड फास्ट चार्ज 2.0। सो इस फोन के अंदर है ना, आपको 20 वॉट्स का वायरलेस मैक चार्जिंग कैपेबिलिटी देखने मिलता है, उसके अलावा 100 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी, एंड टॉप ऑफ दैट वायरलेस रिवर्स चार्ज भी। भाई साहब, ये फोन है तो कौन सा गाइज? ये है इन्फिनिक्स का नोट 40 प्रो 5G। यहाँ पे लिखा है टाइम टू हैशटैग टेक द चार्ज। 20,000 का ये फोन लॉन्च होने वाला है, जिसके अंदर आपको इतने सारे फीचर्स देखने मिलते हैं। टॉप ऑफ दैट यहाँ पे आपको मैग सेफ एसेसरीज भी देखने मिलती है। तो गाइस, फोन की अनबॉक्सिंग हम देखते हैं थोड़े टाइम बाद। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने मिलता है ये जो है मैग पैड, जो बेसिकली एक वायरलेस चार्जिंग पैड है। ओपन करते हैं इसको। सो यस गाइस, यहाँ पे आपको देखने मिलता है ये वायरलेस चार्जिंग पैड, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का वायरलेस चार्जिंग पैड है। यहाँ पे टाइप सी पोर्ट आपको देखने मिलता है विद एन LED लाइट इंडिकेटर। एंड ये भाई साहब है कितने वॉट्स का? सो यस गाइस, ये है 15 वॉट्स का वायरलेस चार्जिंग पैड। एंड उसी के साथ यहाँ पे और एक आपको चीज़ देखने मिलती है जो है मैक पावर बैंक, बेसिकली मैक से पावर बैंक। एंड इसे भी हम ओपन करते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पे जो यूजुअली एप्पल का वायरलेस चार्जर रहता है मैग्नेटिक, वैसी आपको यहाँ पे इन्फिनिक्स ने प्रोवाइड किया है। कैपेसिटी कितनी है इसकी? 3000 mAh की कैपेसिटी है। सो गाइज, ये ऐसे मैग्नेटिकली स्टिक हो जाता है फ़ोन के पीछे। एंड यस, उसी के साथ यहाँ पे हम क्विकली देखते हैं फोन की अनबॉक्सिंग। सो गाइज, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने मिलता है। एंड बॉक्स को ओपन करते ही बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग में यहाँ पे वो एक्चुअल फोन आपको देखने मिलता है। एंड यहाँ पे हमारे पास विंटेज ग्रीन कलर में ये स्मार्टफोन है। उसी के साथ नीचे की तरफ आपको ढेर सारा डॉक्यूमेंटेशन देखने मिलता है। फिर यहाँ पे 45 वॉट्स का पावर चार्जिंग ब्रेक, टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग एंड डेटा केबल। एडिशनली यहाँ पे उन्होंने टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया। एंड फाइनली यहाँ पे आपको मैक सेफ वायरलेस केस भी इसकी देखने मिलती है। सो गाइस, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पैक करके मिलते हैं आपको थोड़े ही समय बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभि और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे हैशटैग टेक चार्ज के बारे में। तो गाइस, इसके अंदर है ना आपको 5000 mAh की बैटरी देखने मिलती है। हमारे पास गाइज ये प्रो वेरिएंट है, प्रो प्लस वेरिएंट के अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी देखने मिलती है। एंड यहाँ पे 45 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी आपको देखने मिलता है प्रो मॉडल में। प्रो प्लस के साथ जाओगे तो 100 वॉट्स की चार्जिंग कैपेबिलिटी है। वैसे प्रो एंड प्रो प्लस में फीचर्स सिमिलर ही है, सिर्फ यही चार्जिंग स्पीड का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। एंड टॉप ऑफ दैट गाइज, यहाँ पे जैसे मैंने बताया मैक सेफ पावर बैंक जो है वो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ स्टिक हो जाता है। एंड वायरलेसली 20 वॉट्स की हेल्प से फोन जो है यहाँ पे चार्ज हो जाता है। एंड जैसे मैंने बताया ना, बॉक्स के अंदर आपको और एक केस देखने मिलते हैं, उसके पीछे भी आपको मैक सेफ चार्जिंग का मैग्नेट देखने मिलता है। एंड केस के साथ भी यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वायरलेसली चार्ज हो जाता है। एंड ये जो मैक सेफ चार्जर है ना, डेफिनेटली हमने आईफोन के साथ भी ट्राई किया, आईफोन के साथ भी ये बहुत ही अमेजिंगली वर्क कर रहा था। एंड गाइस, X1 चीता चिपसेट आपको देखने मिलते हैं, जो ये सारी चीजें ना यहाँ पे वेल ऑप्टिमाइज करती है व्हेन इट कम्स टू चार्जिंग या फिर वायरलेस चार्जिंग। टॉप ऑफ दैट और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो है रिवर्स वायरलेस चार्ज, उस ऑप्शन को यहाँ पे आपको एनेबल करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो आईफोन है वो भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर फोन की हेल्प से मैं चार्ज कर सकता हूँ। मतलब भाई साहब, 20,000 के फोन में पहले कभी सुना था ये स्पेसिफिक फीचर्स मिलेंगे 20,000 के फोन में? नहीं। इन्फिनिक्स ने यहाँ पे करके दिखाया, एंड आई एम ग्लैड कि इन्फिनिक्स ने यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड किया। वैसे गाइस, 20,000 का ये फोन आपको मिलेगा प्रो मॉडल। एंड अगर आप ये सब एसेसरीज, जो दो एसेसरीज मैंने आपको बताया विद द केस, वो अगर आपको बंडल पैक में चाहिए तो 499 एक्स्ट्रा आपको पे करना है। तो भाई 25,000 में आपको कंप्लीट पैकेज यहाँ पे मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से सुपर डुपर वैल्यू फॉर मनी है। एंड गाइस, यहाँ पे अगर मैं इसके बिल्ड की बात कर रहा हूँ, विंटेज ग्रीन कलर में स्मार्टफोन हमारे पास है, वीगन लेदर बैक यहाँ पे आपको देखने मिलता है। कैमरा वाला जो मॉड्यूल है ना, यहाँ पे बहुत ही प्रीमियम लुक देता है इस डिवाइस को। एंड यस, यहाँ पे आपको एक्टिव हैलो लाइट का फीचर भी देखने मिलता है। इसका मतलब ये है यहाँ पे जो LED लाइट है ना, उसके बीच में आपको एक पैच देखने मिलता है जहाँ पे उन्होंने हैलो लाइट्स प्रोवाइड किए। एंड ये हैलो लाइट्स एग्जैक्टली वर्क कब करते हैं? जब भी आप चार्जिंग के लिए इसे प्लग इन कर रहे हो या फिर इनकमिंग कॉल आ रहा है, गेमिंग कर रहे हो,
एंड इसे आप कस्टमाइज कर सकते हो सेटिंग्स में जाके, जहाँ पे आप देख सकते हो आपको कॉल नोटिफिकेशंस डिफरेंट ऑप्शंस को आप एनेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पे लाइट इफेक्ट को कस्टमाइजेशंस के भी यहाँ पे आपको कलर्स देखने मिलते हैं, अकॉर्डिंगली लाइट यहाँ पे ब्लिंक या फिर ग्लो करेगा। मतलब भाई 20,000 के फोन में क्या क्या भर के दिया इन्फिनिक्स ने यहाँ पे, गजब बात तो सही है। वो नथिंग फोन में नहीं क्या वो टिक 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 बजता है, उससे अच्छा तो मुझे ये लगा ऑनेस्टली, ये बहुत प्रीमियम लगता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एंड गाइस पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं, 3.5mm का जैक देखने नहीं मिलता है। सिम स्लॉट में आप दो सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हो, मेमोरी एक्सपांशन का भी ऑप्शन यहां पे आपको देखने नहीं मिलता है। टॉप ऑफ दैट गाइस आयर ब्लास्टर है, एसी टीवी सेट ऑफ बॉक्स, ढेर सारी चीजें आप इसकी हेल्प से ऑपरेट कर सकते हो। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी उन्होंने प्रोवाइड किया है एंड डेफिनेटली वो भी बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है। एंड गाइस फोन जो है ना काफी स्लिम फॉर्म फैक्टर में आपको देखने मिलता है। डिस्प्ले में यहाँ पे उन्होंने गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है, सो अगर फोन ऐसे गिर जाता है तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं टूटने वाला। अरे समझ गए भाई, समझ। एंड गाइस इस फोन के अंदर है ना आपको 6.78 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले उन्होंने प्रोवाइड किया है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। डेफिनेटली फोन का डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा स्मूथ यहाँ पे फील होता है जब भी आप इसे यूज कर रहे हो या फिर इसके अंदर गेमिंग कर रहे हो। कलर एक्यूरेसी वाला जो पार्ट है ना डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग आपको देखने मिलता है इस पर्टिकुलर डिस्प्ले में। एंड यस ये एक 3D कर्व डिस्प्ले, सो डेफिनेटली साइड बेजल्स तो आपको देखने नहीं मिलते, टॉप एंड बॉटम बेजल्स भी काफी मिनिमल से उन्होंने प्रोवाइड किए। वाइड वाइन L1 का भी सर्टिफिकेशन आपको देखने मिलता है। OTT प्लेटफॉर्म्स पे आप हाई रेजोल्यूशन कॉन्टेंट को एंजॉय कर सकते हो। YouTube पे भी यहाँ पे आपको 4K 60fps HDR कॉन्टेंट विजिबल हो जाएगा। एंड इस डिस्प्ले के अंदर आपको 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने मिलते हैं। आउटडोर्स डायरेक्ट सनलाइट में विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया निकल के आएगी। सो गाइस इन ऑल प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिस्प्ले मुझे बहुत ही पसंद आया। प्रोसेसर की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पे आपको मीडियाटेक का डिमेंसिटी 7020 5G बेस प्रोसेसर उन्होंने प्रोवाइड किया है। हमारे पास जो वेरिएंट है वो है 8GB LPDDR4X RAM के साथ 256GB का UFS 2.2 स्टोरेज। तो यहां पे जो रीड स्पीड है 1GBPS की निकल के आती है एंड राइट स्पीड 850MBPS की। 8GB RAM है गाइस, 8GB आप सेटिंग्स में जाके एक्सपांड कर सकते हो वर्चुअली। टोटल 16GB का RAM आपको देखने मिलेगा वर्चुअल। ओके एंड बेंचमार्क्स की अगर मैं बात करूं तो Antutu के अंदर यहां पे हमें 460,000 प्लस के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। CPU थ्रॉटलिंग में 87% की मैक्स परफॉर्मेंस, सो CPU यहां पे बहुत ही स्टेबल आपको देखने मिलता है। गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो BGMI जैसा गेम यहां पे आप स्मूथ में अल्ट्रा सेटिंग्स में खेल सकते हो, जिसका मतलब यह है कि यहां पे आपको 40fps के फ्रेम रेट्स देखने मिलेंगे इस पर्टिकुलर गेम में। गेम कहां पे भी लैग नहीं होता, बहुत ही अमेजिंगली आप गेम खेल सकते हो। एडिशनली गेम मोड का भी ऑप्शन आपको देखने मिलता है, ढेर सारे कस्टमाइजेशंस कर सकते हो। प्रोसेसर को परफॉर्मेंस मोड में भी आप सेट कर सकते हो। एंड यस यहाँ पे हमने कॉल ऑफ ड्यूटी गेम भी इसके अंदर खेला। कॉल ऑफ ड्यूटी गेम के अंदर यहाँ पे आपको 60fps के फ्रेम रेट देखने मिल रहे हैं एंड ये भी गेम यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है विदाउट एनी लैग। एंड इस फोन के अंदर है ना जायरोस्कोप का भी सेंसर आपको देखने मिलता है। सो गाइस यहाँ पे हमने BGMI गेम के अंदर जायरोस्कोप को टेस्ट किया, सो गेमिंग के लिए डेफिनेटली आप जायरोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड फिर हम बढ़ते कैमरा सेटअप की तरफ, तो में आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने मिलता है, 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। फ्रंट आपको देखने मिलता है 32 मेगापिक्सल का विद एन LED फ्लैशलाइट। रेयर कैमरा के हेल्प से 2K@30fps में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। गाइस ये जो पर्टिकुलर फुटेज है ना ये हमने आउटडोर्स में रिकॉर्ड किया है 2K@30fps में, जहाँ पे आपको डिसेंट सी स्टेबिलाइजेशन देखने मिलते हैं। ओवरऑल डिसेंट सा वीडियो ये रिकॉर्ड करता है। एंड फ्रंट कैमरा की हेल्प से भी 2K 30fps में आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ऑलरेडी हमने एक वीडियो फुटेज रिकॉर्ड किया है, प्ले करता हूँ उस पर्टिकुलर फुटेज को। सो गाइस ये जो पर्टिकुलर वीडियो है मैं फ्रंट कैम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2K@30fps आउटडोर्स में। गाइस यहाँ पे काफी वाइड एंगल सा फ्रंट कैमरा आपको देखने मिलता है एंड डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है ऑडियो क्वालिटी वाला पार्ट है ना बहुत ही बढ़िया निकल के आना चाहिए। एंड उसी के साथ यहाँ पे हमने हाई रेज मोड में ढेर सारे इमेजेस कैप्चर किए, इंडोर लाइटिंग कंडीशन हो गए या फिर आउटडोर लाइटिंग कंडीशंस हो गए। यहाँ पे डेफिनेटली काफी हाई डायनेमिक रेंज के इमेजेस आपको देखने मिलते हैं एंड पोर्ट्रेट इमेजेस भी यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कैप्चर कर सकते हो। एंड यस यहाँ पे हमने कुछ सेल्फी इमेजेस भी कैप्चर किए इंडोर लाइटिंग कंडीशंस एंड आउटडोर लाइटिंग कंडीशंस नॉर्मल एंड पोर्ट्रेट मोड में। एंड प्लस यहाँ पे आपको सुपर लो लाइट नाइट मोड देखने मिलता है, सो उसे हमने यहाँ पे टेस्ट किया बट अनफॉर्चुनेटली वो इतनी बढ़िया तरीके से वर्क नहीं करता, मतलब ना ही करता है वर्क तो भी सही रहेगा बोलना, बट कैमरा वाला पार्ट बेटर हो सकता था अगर एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया होता। एंड अभी हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके। आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे आपको XOS 14 देखने मिलता है जो यहाँ पे बेस्ड है एंड्रॉइड वर्जन 14 पे।
डेफिनेटली गाइज यहाँ पे कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन आपको देखने मिलेंगे इन्फिनिक्स की तरफ से. अदर देन दैट नीट एंड क्लीन यूआई यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया है एंड ओएस वाला पार्ट भी सुपर डुपर स्मूथ यहाँ पे आपको फील होगा. एंड वैसे गाइज इस फोन के साथ आपको 2 ईयर्स ऑफ मेजर एंड्रॉइड अपग्रेड्स एंड 3 ईयर्स ऑफ सिक्योरिटी पैच अपडेट्स भी देखने मिलेंगे. एंड स्पीकर की अगर मैं बात करूँ, डुअल फायरिंग स्पीकर सेटअप आपको देखने मिलता है, पार्ट है बाय JBL ऑडियो एंड डेफिनेटली इसका जो साउंड आउटपुट है ना बहुत ही अमेजिंग मुझे लगा. एंड कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, डुअल 5G सिम सपोर्ट आपको देखने मिलता है, NFC का भी सपोर्ट उन्होंने प्रोवाइड किया है, Wi-Fi 5 आपको देखने मिलता है. टॉप ऑफ दैट गाइज यहाँ पे आपको FM रेडियो भी देखने मिलता है. मतलब भाई सब कुछ 20,000 में ही देना है इन्फिनिक्स को, आगे नहीं बढ़ना है, 20,000 बस खत्म, फुल स्टॉप. सो वैसे गाइज ये जो 20,000 की प्राइस है ना, ये इंट्रोडक्टरी ऑफर की प्राइसिंग होने वाले, उसके बाद शायद इसकी प्राइसिंग बढ़ सकती है. एंड बंडल पैक के साथ 25,000 में जितने भी सारे एसेसरीज मैंने बताया, मतलब ये वाला भी एसेसरी, ये भी आपको मिलेगा. सो मेरे हिसाब से सुपर डुपर वैल्यू फॉर मनी फोन है. ऐसे मतलब कॉन्स निकालने जैसा कुछ नहीं है. मतलब आयर ब्लास्टर तक भी उन्होंने प्रोवाइड किया, चार्जिंग कैपेबिलिटी भी अच्छी है. प्रो प्लस मॉडल चाहिए, बैटरी कम है उसमें, 4,500 mAh है, बट 100 watts की फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी है. वैसे गाइस मुझे ये फ़ोन बहुत ही बढ़िया लगा. आपको ये फ़ोन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. एंड गाइस बस यही था आज का वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए. तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.